डेली न्यूज की ट्रेवल सीरीज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड भ्रमण पर निकले बहुत से सैलानी नैनीताल की सैर करना भी पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादातर टूरिस्ट नैनी झील और उसके आसपास के स्थलों तक ही सीमित रह जाते हैं। तो आज हम आपको ऐसे हिल स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ की खूबसूरती के बारे में आज भी बहुत से लोग अनजान हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नैनीताल के गुमशुदा हिल स्टेशन जोलीकोट की। स्थानीय और सक्रिय ट्रैवलर्स को छोड़कर अधिकांश सैलानी जोलीकोट से अनजान हैं, जो जिले की सीमा के अंतर्गत ही आता है। लगभग 1219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह हिल स्टेशन नैनी झील का गेटवे कहा जाता है। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच आप यहां सुकून भरा पल बिता सकते हैं। आने का सही समय, जोलीकोट आने का आदर्श समय मार्च से अक्टूबर तक है। इस दौरान यहाँ का मौसम काफी अनुकूल बना रहता है। सर्दियों के दौरान यह स्थल अत्यधिक ठंडा रहता है। हालांकि बहुत से साहसिक ट्रैवलर इस दौरान भी उत्तराखंड की सैर करना पसंद करते हैं। जोलीकोट की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने के साथ साथ आप आसपास के पर्यटन स्थलों की सैर का प्लान भी बना सकते हैं। जोलीकोट से आप नैनीताल के सबसे मुख्य आकर्षण नैनी झील की सैर का प्लान बना सकते हैं। नैनी झील एक विश्व प्रसिद्ध पहाड़ी लेक है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहां आते हैं। इसके अलावा आप पंगोट स्थित किलबरी पक्षी अभ्यारण की रोमांचक सैर का आनंद भी ले सकते हैं। अगर आप एक नेचर लवर्स हैं और प्रकृति के करीब जाकर कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो जोलीकोट आपके लिए एक आदर्श स्थल है। पहाड़ी स्थलों के प्रेमी यहाँ एक शानदार अवकाश बिता सकते हैं। अगर आप एकांत प्रेमी हैं और किसी एकांत जगह की तलाश में हैं, तो यहाँ आप आ सकते हैं। फोटोग्राफी के शौकीन यहाँ के आकर्षक पहाड़ी दृश्यों को अपने कैमरे में उतार सकते हैं। कैसे करें प्रवेश? जोलीकोट आप परिवहन के तीनों साधनों की मदद से पहुँच सकते हैं। यहाँ का निकटवर्ती हवाई अड्डा पंतनगर एयरपोर्ट है। रेल मार्ग के लिए आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं, जहां से आपको देश के अन्य स्थानों के लिए रेल सेवा मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो यहां सड़क मार्ग के जरिए भी पहुंच सकते हैं। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लाइक करें हमारा Facebook पेज।